हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से आ गए हमारी रिएक्शनें लेकर। और मैं क्यों रिएक्शन नहीं बना रहा, क्या बिजनेस कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं बताऊँगा अगली आने वाली वीडियोस पे। पहले तो जो मैंने रिएक्शन के लिए बहुत लेट हो गया हूँ ना, बहुत सारी रिएक्शन मतलब कॉन्टेंट बहुत है अब रिएक्शन देने के लिए, और इतने सॉन्ग्स वगैरह आ चुके हैं यार, मतलब क्या बताएं। तो आज हम जो सॉन्ग पे रिएक्शन दे रहे हैं, ये है तो प्रेम गीत 3 का है शायद, तो इसको पता नहीं हमें किसी ने सुजेस्ट किया है इस पे रिएक्शन देने के लिए। तो अरे रिएक्शन देना भी बोल गए हैं हम आजकल। तो हम देखते हैं ये क्या है नाम। ओके वेट वेट वेट, इसका नाम है हत्ती दुनगामा, प्रेम गीत 3 का है ये, नेपाली मूवी सॉन्ग। हाँ प्रदीप खाड़का जी हैं, प्रदीप खाड़का जी वन एंड ओनली हमारे, ये सबसे पहले जब हमारा फेवरेट मतलब कोई नेपाल से एक्टर बने थे तो ये प्रदीप खाड़का जी के थे, खाड़का जी थे। क्या हो रहा है ये। तो चलो गाइस अब सीरियस हो गए, हम देखते हैं रिएक्शन। हाथी दुनगामा, सबसे पहले तो आप प्लीज बताएं हाथी दुनगामा का मतलब क्या है। दुनगामा, धुन तो शायद वो हो गई है, धुन चलती है टन टन टन। चलो पहले इस पे हम सॉन्ग देखते हैं, उसके बाद हम अपने राय रखेंगे कि क्या मुझे लगा इस सॉन्ग का, क्या नहीं लगा सब कुछ। चलो करते हैं इसको प्ले बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, 1 2 3 और प्ले। OSR मूवीज, मुझे हमेशा गेम थी वो याद आ जाता है। फिल्म प्रोडक्शन प्रेम गीत 3। ये पूजा चल रही है शायद, ये मुझे लग रहा है हमने ऐसे ट्रेलर में देखा था ना। बहुत टाइम हो गया ना रिएक्शन देखो, पता भी नहीं चल रहा। प्रदीप खाड़का जी बस्ने तिमौरी घुम बसे पापर फुलको ढुङ्गामा खोपी खोपी लेखे नाप्रो मेरो हात्ती ढुङ्गामा एनर्जी देखिए आप। ये वाला स्टेप दसना मतलब काटना। Feel it in
ना पीरो मेरो हाथी ढुंगामा बांसुरा क्या होता है? मुझे पता था ये आएगा सीन पक्का। तो गाइस आपको सच सच बताता हूँ, मुझे जब ये गाना स्टार्ट हुआ था मुझे याद आया है कि मैंने ऐसा सॉन्ग पता नहीं ट्रेलर में देखा था या नेपाल का कोई और सॉन्ग था, उसमें भी ऐसे चावल वगैरह फेंक रहे थे। मैंने कहा था कि ये क्या कहते हैं उसको कि पूजा वगैरह हो रही है, फिर ऐसे जो डांस स्टेप कर रहे थे वो जैसे रणवीर सिंह कह सकते हैं हम प्रदीप खड़का जी को, मतलब जिस हिसाब से रणवीर सिंह के अंदर एनर्जी है ना, मतलब कोई मर्जी ऐसे डांस स्टेप कर सकता है वो वाला, मतलब नेपाल वर्जन देखे हम तो प्रदीप खड़का जी मतलब ऊपर है। वैसे तो प्रदीप खड़का जी जो जेन्युइन मतलब टैलेंट होता है ना यार वो है। और मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो ऐसे एक तो हाथ में डंडा सा पकड़ा हुआ था ना उन्होंने, वो सींग वाला ये मतलब स्वैग होता है ना जो यार, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये। और ये स्टेप ऐसे ऐसे वाला ऐसे कर रहे थे ना वो यार, बहुत ही मतलब शानदार था। सच में कहता हूँ मैं प्रदीप खड़का जी एक मूवी देखी थी, मैं रिएक्शन चैनल नहीं था पहले मेरा, उससे पहले मैंने प्रदीप खड़का जी का एक सॉन्ग आया था पहले प्रेम गीत वन था शायद वो, फिर उसके बाद वो मूवी शायद मैंने देखी थी, पता नहीं कोई और मूवी चल रही थी ये टीवी पे, मोबाइल में नहीं टीवी पे देखी थी बहुत टाइम पहले मैं, तभी से यार मुझे नेपाल के सारा कुछ पसंद आने लग गया था प्रदीप खड़का जी की वजह से। तो उसके बाद मैं ऐसे देता गया रिएक्शन देता गया तो इतने मतलब यार टैलेंट मुझे ट्रू टैलेंट मिला है, उसके बाद पॉल शाह जी मिले, इतने इतने मतलब लोग आए, इतने मतलब यार धन्य हो गए हैं हम कि इतना अच्छा टैलेंट देख करके। तो मुझे सॉन्ग यार इसको मैं अगर 10 में से नंबर देने हो तो 10 में से ही 10 ही देंगे, क्योंकि कोई भी कम करने वाला कोई मतलब सीन ही नहीं था, मतलब पूरा मतलब तो पूरा मतलब यार ओके रिपोर्ट था ये। मैं मतलब कहना बहुत शुरू कर रहा हूँ, भूल ही गए हैं आजकल, तो कोई बात नहीं, हम लगातार अब रिएक्शनें बनाएंगे। आप ऐसे कमेंट करके बताना, ऐसे मैं ना स्टोरी वगैरह भी डाल दिया करूँगा उस पर, ऐसे कहूँगा कि कौन सी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, तो जो रिएक्शन ऐसे देखने वाले हैं तो अपनी अपनी सजेशन ऐसे नीचे डालें ताकि आपका नाम भी मैं ऐसे वीडियो में ले सकूँ। और कभी कभी वीडियो ऐसे नहीं भी आती यार कॉपीराइट वजह से, तो माइंड बड़ा अपसेट हो गया था इस वजह से भी, ऐसे हो गया था रिएक्शन चैनल में थोड़ा सा वो हो गया था, आपको पता ही है ये रीयूज कंटेंट का यही प्रॉब्लम होता है। तो चलो हम आगे, आप बताइए किस पे रिएक्शन देनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियोज भी मैं बनाता रहूँगा, बस आप सजेशन देते रहो मुझे कौन कौन सी वीडियो आपको देखना पसंद है।